माय नेम इज रेखा एंड वेलकम टू माय चैनल इन फॉर टीचिंग। आज की स्पेशल वीडियो केवीएस 2017 के एग्जाम पर बेस्ड है, जिसमें मैंने केवीएस के टीचिंग मेथडोलॉजी के पार्ट के 40 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है उनके आंसर्स के साथ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगी कि वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने अच्छे फीडबैक के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी वुड बेस्ट कोरिलेट साइंस विद लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के सर्वोत्तम सहसंबंध को प्रदर्शित करेंगे। यानी कि हमें विद्यार्थियों को क्या समझाना है, क्रियाकलाप विज्ञान और भाषा अधिगम के संबंध को समझाना है, तो वो हम किस तरह उनके सामने उस रिलेशन को प्रदर्शित करेंगे, उसको कैसे व्यक्त करेंगे। ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू राइट एन ऐसे ऑन सम स्पेसिफिक टॉपिक, यानी कि विद्यार्थियों से कहेंगे कि वे किसी वैज्ञानिक विषय पर निबंध लिखें। सेकंड ऑप्शन है अरेंजिंग फील्ड विजिट फॉर एन एक्सोटिव एक्सप्लोरेशन ऑफ द एनवायरनमेंट एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट रिपोर्ट ऑफ देयर ऑफ, यानी कि वातावरण की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण की व्यवस्था करेंगे और बाद में विद्यार्थियों से एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करवाने के लिए कहेंगे। थर्ड ऑप्शन है आस्किंग स्टूडेंट टू रिमेंबर टेक्निकल टर्म्स परफेक्टली, यानी कि बच्चों को कहना कि वे प्रभाषिक शब्दावली को याद करें। या लास्ट ऑप्शन ऑर्गेनाइजिंग अ रिफ्रेशर कोर्स ऑन साइंस फॉर लैंग्वेज टीचर्स, यानी कि भाषा अध्यापकों के लिए विज्ञान की पाठ्यचर्या पर एक रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन करेंगे। तो हमें जो सबसे बेस्ट आंसर है इसके अकॉर्डिंग क्या दे रहा है, हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन। यानी कि हमें क्या करना है, अरेंजिंग फील्ड विजिट फॉर एन एग्जॉटिव एक्सप्लोरेशन फॉर द एनवायरमेंट एंड आस्किंग स्टूडेंट टू राइट रिपोर्ट देयर ऑफ, यानी कि हमें क्या करना है, वातावरणीय की खोजबीन के उद्देश्य से एक व्यापक क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना है और बाद में विद्यार्थियों से कहना है कि वह इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ फिलोसफी ऑफ फ्रेडरिक फ्रोवेल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोवेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है। पहला है द प्रिंसिपल ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, यानी कि अलौकिकता का सिद्धांत। सेकंड है द लॉ ऑफ यूनिटी, एक तत्व का सिद्धांत। थर्ड है द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास का सिद्धांत, या द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी या स्व क्रिया का सिद्धांत। तो हमें बताना है कि कौन सा नहीं है। इस क्वेश्चन में आप नोट पर देखिए, नोट पर आपको ध्यान देना है कि हमें नहीं है वो बताना है, बाकी के तीन हो सकते हैं। और पहला है हमारा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपर नेचुरलिज्म, जो हमारा नहीं है, यानी कि फ्रेडरिक प्रोवेल का एक दर्शन का सिद्धांत नहीं है, और बाकी के नीचे के तीन हैं। सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ माइनॉरिटी वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज हैव द राइट ऑफ एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि संविधान के किस प्रावधान के अनुसार सभी अल्पसंख्यक वर्गों को, चाहे वे धर्म पर अथवा भाषा पर आधारित हो, अपनी इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका संचालन करने का उन्हें अधिकार है। सो कौन से आर्टिकल में या कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है। पहला है आर्टिकल 46 में, यानी कि अनुच्छेद 46 में, या सेकंड है आर्टिकल 26 यानी कि 29 अनुच्छेद 29 में, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल 28 यानी कि अनुच्छेद 28, या लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 50 यानी कि अनुच्छेद 15। तो किस में बताया गया है, किस में यह व्यक्त किया गया है, और यह ऑप्शन होगा हमारा सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में अच्छे तरीके से बताया गया है कि जो अल्पसंख्यक है वो अपने वर्गों के अकॉर्डिंग एक संस्था, शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने या उनका संचालन करने का उन्हें पूर्णतः रूप से अधिकार है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू हेल्प चिल्ड्रन डेवलप सोशल वैल्यूज, अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखिए, निम्नलिखित में से ऐसी सर्वाधिक प्रभावी विधि कौन सी है जिसका प्रयोग बच्चों में सामाजिक मूल्यों का विकास करने में किया जा सकता है। ऑप्शन है रिसाइटिंग गुड मॉरल स्टोरीज, अच्छी नैतिक कहानियां बताना सही रहेगा। सेकेंड ऑप्शन है डिसिप्लिन देम इन मॉरल्स एंड वैल्यूज दैट द सोसाइटी रिकॉग्नाइज, यानी कि अच्छे समाज द्वारा स्वीकृति मूल्य और लोक प्रथाओं में अनुशासित करना। थर्ड ऑप्शन है प्रेजेंटिंग वंस ऑन
बिहेवियर एज मॉडल फॉर देम, यानी कि अध्यापक द्वारा अपने आचरण को इस प्रकार व्यक्त करना या इस प्रकार प्रस्तुत करना ताकि वे बच्चे उसे एक प्रतिरूप समझने लगें, यानी कि इमिटेट करना स्टार्ट कर दें। या लास्ट ऑप्शन है टेलिंग देम अबाउट ग्रेट पीपल, यानी कि उन्हें महान व्यक्तियों के विषय में बताना। तो कौन सा सबसे बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, कौन सा सबसे करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और ये है हमारा थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि प्रेजेंटिंग ऑन बिहेवियर एज मॉडल फॉर देम, हमें बच्चों के सामने खुद एक इमिटेट एक मॉडल बनके उनको उनके सामने का आचरण प्रस्तुत करना है ताकि वो इमिटेट करके जो शिक्षक उनको सामने से बता रहा है वो अच्छे तरीके से अपने अंदर समाहित कर सके, उन्हें समायोजन कर सके उस चीज के अंदर। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ चाइल्ड हैज डेवलप्ड द एबिलिटी टू कंजर्व एंड कैन अरेंज थिंग्स फॉर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट एंड वाई वर्सा, द थॉट प्रोसेस आर टू रियल ऑब्जर्व बाय द चाइल्ड टू चाइल्ड कैन परफॉर्म रेदर कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन ऑन प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज प्रॉब्लम आर नॉट एब्स्ट्रैक्ट द चाइल्ड इज एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसको अच्छे तरीके से समझना है दोस्तों। इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि एक बच्चे में अविनाशता यानी कि संरक्षण की योग्यता का विकास हो चुका है और वह वस्तुओं को छोटे से बड़े की ओर और सबसे छोटी से बड़े और बड़े से छोटे की ओर सजा देता है। उसकी विचार प्रक्रियाएं स्थूल घटनाओं पर आधारित है। वह बच्चा उन सभी समस्याओं पर संक्रियता कर सकता है जो अमूर्त नहीं है। बताइए यह बच्चा पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किस अवस्था पर है, यानी कि जो ऊपर है आपको एक सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको यह बताना है कि यह पियाजे के किस सिद्धांत या किस स्टेज के अंतर्गत बताया गया है। अब इसमें देखिए चार स्टेजेस दी गई हैं उनकी। पहली है हमारा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, यानी कि आकारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में 12 से लेकर किशोरावस्था तक होती है, इसके अंदर यह सिद्धांत आता है और यह अवस्था भी आती है, यानी कि 12 से लेकर किशोरावस्था तक का जो टाइम होता है इस अवस्था के अंदर गत आता है। सेकंड ऑप्शन में सेंसर मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी चालक अवस्था है, और इसके अंदर क्या होता है कि इसमें बच्चे के जन्म से लेकर 2 साल तक के समय को शामिल किया जाता है। थर्ड है प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर इस अवस्था में बच्चा तरह तरह की वस्तुओं को लेकर उन्हें जोड़ता है और फिर कुछ ना कुछ नया बनाता है, कुछ ना कुछ नए सीखने की कोशिश करता है। एंड लास्ट वन इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। और इसमें क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अपनी तर्क शक्ति लगाता है, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाता है, सोच विचार करता है और फिर उन वस्तुओं को जोड़कर कुछ ना कुछ नया आविष्कार करता है। तो ऊपर जो सिचुएशन दी गई थी उसके अकॉर्डिंग जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज स्थूल संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत यह कथन आता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ये याद रखना, जब इस क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि नहीं है, यानी कि तीन तो वो सिद्धांत होंगे जो विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं, एक ऐसा सिद्धांत है जो विकास के अंतर्गत नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है डेवलपमेंट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल चिल्ड्रन, यानी कि सभी बच्चों की विकास की दर एक समान नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, विकास सदैव रैखिक होता है। थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, विकास एक सतत प्रक्रिया है। एंड लास्ट वन इज ऑल प्रोसेसेस ऑफ डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड, यानी कि विकास की सभी प्रक्रियाएं परस्पर एक साथ जुड़ी रहती हैं। तो इसमें जो तीन ऑप्शन है वो तीनों विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं और एक है जो हमारा नहीं आता है और वो है हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, जो विकास है वो सदैव रैखिक होता है, यह कथन हमारे विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनिस्ट प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रोड्यूसिंग मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड टू चिल्ड्रन इन इंडिया, यानी कि अब इस क्वेश्चन में बताना है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद ने भारत में बच्चों की शिक्षा में मॉन्टेसरी शिक्षा विधियों के प्रचलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑप्शन है पहला रोहित धनखड़, सेकेंड है सावित्री बाई फूले, थर्ड है गीजूबाई बड़े का, एंड लास्ट वन इज एनी बेसेंट। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि गीजूबाई बड़े का ने
मोंटेसरी शिक्षा की विधियों में अब बहुत अच्छे से भूमिका निभाई है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन ड्यूरिंग कॉलोनिकल रूल, यानी कि निम्नलिखित में से वह कौन सा है जिसे ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि महाअधिकार अभिलेख समझा जाता है। ऑप्शन है हंटर आयोग यानी कि हंटर कमीशन, सेकंड है सर्जेंट कमीशन यानी कि सर्जेंट आयोग, थर्ड है वुड डिस्पैच यानी कि वुड डिस्पैच, आप इसे हिंदी में वुड डिस्पैच ही पढ़ेंगे, एंड लास्ट वन इज मैकाले मिनट्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वुड्स डिस्पैच इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि वो एक महाअधिकार अभिलेख समझा जाता था उन्हें भारतीय शिक्षा के अंदर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ अवॉइड द कंपनी ऑफ अ विजुअल चैलेंज्ड चाइल्ड इन देयर क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ऑफ अ विजुअली चैलेंज्ड चाइल्ड वुड नॉट बी मैट सक्सेसफुली। यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी कक्षा चार के अधिकांश बच्चे अपनी कक्षा में विद्वान दृष्टिहीन बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते, यानी कि वे बच्चे जो दृष्टिहीन है, जो देख नहीं पाते हैं, ऐसी अवस्था में वे दृष्टिहीन बच्चे अपनी किस आवश्यकता की पूर्ति से वंचित रह जाएंगे। तो ऑप्शन है फिजियोलॉजिकल यानी कि शरीर विज्ञान संबंधी, सेकंड है सेफ्टी यानी कि सुरक्षा, थर्ड ऑप्शन है एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान, एंड लास्ट वन इज बिलोंगिंगनेस यानी कि सहसंबद्धता। सो इसका जो आंसर है वो बच्चों आप सभी के सामने सेकंड यानी कि थर्ड और फोर्थ दो ऑप्शन है जो दोनों ही करेक्ट हैं, जो आप इसके अंदर थर्ड भी दे सकते हैं यानी कि आत्मसम्मान को भी करेक्ट कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं, एंड लास्ट है सहसंबद्धता, ये दोनों ही दोनों इसके अंतर्गत आते हैं कि दृष्टिहीन बच्चे इस आवश्यकता से वंचित रह जाएंगे अगर उन्हें नॉर्मल जो बच्चे हैं, जो सामान्य बच्चे हैं, वो समाहित नहीं कर पाते, उनके साथ रहना पसंद नहीं करते, तो ये जो दो पॉइंट है, ये जो दो कथन है, इनसे वंचित रह जाएंगे दृष्टिहीन बच्चे। तो अगर ऑप्शन में आपको दोनों आते हैं तो इन दोनों में से किसी पर भी आप टिक कर सकते हैं, अगर एक आता है तो आप दोनों में से कोई एक टिक कर सकते हैं, तो ये दोनों हमारे इसके करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट द नेम्स कार्ल रोजर्स एंड अब्राहम मैस्लो आर एसोसिएटेड। यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो के नाम जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है पहला ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, सेकंड है आइडलिज्म यानी कि आदर्शवाद, थर्ड है नेचुरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद, एंड लास्ट वन इज प्रगमेटिज्म यानी कि प्रयोजनवाद। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि ह्यूमनिज्म मानवतावाद के साथ कार्ल रोजर्स और अब्राहम मैस्लो के नाम हैं, वो अच्छे तरीके से उनके दार्शनिक विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, और इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिसेस कपूर अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड वांट्स हर टू एंजॉय स्कूल, शी मेक्स फ्यू एकेडमिक और बिहेवियरल डिमांड्स ऑन देम, शी बिलीव इन द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग स्टूडेंट ऑटोनॉमी इन हर इंट्रैक्शन विद स्टूडेंट, शी ट्राइज हार्ड टू बी अ गुड लिसनर टू एम्पैथाइज एंड टू शो वार्मथ एंड अफेक्शन, शी नोज दैट स्टूडेंट समटाइम टेक एडवांटेजेस ऑफ हर बट बिलीव दैट स्टूडेंट विल इवेंचुअली डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर ऑन लर्निंग एंड बिहेवियर, विच ऑफ द क्लासरूम मैनेजमेंट स्टाइल इज शी प्रैक्टिसिंग। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक सिचुएशन दी गई, एक कंडीशन दी गई आप सभी के सामने। इसमें बोला गया है कि जो एक श्रीमती कपूर जी हैं जो कक्षा तीन की अध्यापिका हैं, इनकी इच्छा है कि बच्चे विद्यालय में आएं और आनंद के अनुभव करें, इसके लिए उनकी कक्षा यानी कि उनकी कक्षा के अंदर बच्चों से कुछ शैक्षणिक और आचार संबंधी अपेक्षाएं वे रखती हैं, वे बच्चों को स्वायत्तता देने से महत्व भी समझाती हैं, बच्चों से अनुक्रियाएं करते समय एक अच्छी श्रोता बने रहने का प्रयास करती हैं, वे बच्चों से स्नेह और हार्दिकता प्रदर्शन करती हैं, वे यह भी जानते हैं कि बच्चे कई बार उनकी अभिवृत्ति का लाभ उठाते हैं, उनके स्नेह का लाभ उठाते हैं, तथापि उनका विश्वास है कि अंतर्गतमा और अधिगम और आचरण के प्रति उत्तरदायित्व की भावना का विकास स्वयं कर लेंगे, वो ये भी जानती हैं। तो बताना है हमें इसके अंदर कि श्रीमती कपूर कक्षा संचालन की किस शैली का अनुसरण कर रही हैं। अब हमें इसके अंतर्गत ये बताना है कि वो किस
शैली का, यानी कि किस मैनेजमेंट, किस प्रैक्टिसिंग का इसके अंदर वो संचालन कर रही हैं, किस चीज़ को बताने का व्यक्त कर रही हैं, किस चीज़ को बताना चाहती हैं। पहला है हमारा डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतांत्रिक, यानी कि वो बच्चों को डेमोक्रेटिक बना रही हैं, लोकतंत्र बना रही हैं कि बच्चे अपने अनुसार, बच्चों को जो करना है वो अपने अनुसार करें। सेकेंड ऑप्शन है ऑथोरेटिव, यानी कि प्रामाणिक, यानी कि इसके अंदर कहा गया है कि बच्चों को विश्वास दिला रही है कि जो बच्चे कक्षा में कराया जाता है, जो बच्चों को कक्षा में कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, वो सब सही है। थर्ड ऑप्शन है ऑथोरेटियन, यानी कि सत्तावादी, यानी कि विद्यार्थियों के सामने कड़ी सत्यता बनाए रखना चाहती है। या लास्ट ऑप्शन है प्रेमेसिव, यानी कि उन्मुक्त, यानी कि एक ऐसा अनुशासन बनाए रखना चाहती हैं जो विद्यार्थियों को रुचिपूर्ण पढ़ने के लिए उनकी सहायता करता है, उनको सहायता प्रदान करता है। सो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि परमिसिव एक ऐसा साधन है, एक ऐसा ही प्रैक्टिसिंग है जिसका वो यूज़ कर रही है अपनी कक्षा में बच्चों को इंटरेस्टिंग वे से रुचिपूर्ण पढ़ाने में उनकी सहायता के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट द एलिमेंट्री स्कूल लेवल हेल्प्स टू, यानी कि प्रारंभिक विश्वविद्यालय या विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चों के इस प्रकार सहायता करते हैं कि ऑप्शन है लर्न कोऑपरेशन, फेयरनेस एंड नेगोशिएशन, यानी कि बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता और समझौता करना सीख जाएं। सेकेंड ऑप्शन है बी मोर कॉम्पिटेटिव एंड एक्सेप्ट इन देयर, यानी कि वे अधिक स्पर्धात्मक बने और अपने कार्य में सटीकता लाएं। थर्ड ऑप्शन है एनश्योर सक्सेस एट एनी कॉस्ट, वह किसी भी अवस्था में सफलता सुनिश्चित कर सके। एंड लास्ट वन इज लर्न बेसिक रूल ऑफ ऑल स्पोर्ट्स, यानी कि वे सभी प्रकार की क्रीड़ाओं में मूल सिद्धांत सीख पाए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि लर्न कोऑपरेशन, फेयरनेस एंड नेगोशिएशन, यानी कि वो जो स्कूल के अंदर अंतर्गत स्कूल स्तर पर जो खेलकूद बच्चों को क्या सहायता देते हैं, वो बच्चों को बस यही सहायता देते हैं कि बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता और समझौता सीख जाएं। तो ये था हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलीवेंट व्हेन अ टीचर डिजायर टू अडॉप्ट आईसीटी बेस्ड टीचिंग लर्निंग अप्रोच फॉर स्टूडेंट, यानी कि अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में बताया गया है कि यदि कोई अध्यापक अपने विद्यार्थियों के लिए सूचना संप्रेषण आधारित अध्यापन अधिगम उपागम को अपनाना चाहता है तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन संगत नहीं है, यानी कि नॉट ट्रू बताना है जो सही नहीं है। ऑप्शन है देयर शुड बी इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल सो दैट स्टूडेंट कैन एक्सप्लोर, संस्थान में इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए ताकि विद्यार्थी छानबीन कर सके। सेकेंड ऑप्शन है देयर मस्ट बी कंपैटिबिलिटी बिटवीन कंटेंट एंड टेक्नोलॉजी, या विषय वस्तु और प्रौद्योगिकी में अनुकूलता या संगता होनी चाहिए। थर्ड ऑप्शन है द स्टूडेंट मस्ट बी एबल टू यूज एबल आईसीटी डिवाइस, यानी कि विद्यार्थियों में उपलब्ध आईसीटी उपकरणों का प्रयोग करने की योग्यता होनी चाहिए। या लास्ट वन इज द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट गेन थ्रू आईसीटी डिवाइस मस्ट बी एश्योर्ड इन एग्जामिनेशन, यानी कि आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से होना चाहिए। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। और क्यों होगा ये देखिए, आईसीटी का मतलब क्या होता है, आईसीटी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके अकॉर्डिंग आज का जो समय है, आज की जो जनरेशन है, वो इसी के अकॉर्डिंग अगर अच्छे से सीखना चाहे, अच्छे से कुछ ना कुछ अपने उद्देश्यों को पाना चाहे, तो इसी के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाना चाहिए, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक संचार से जुड़े उपकरणों को शामिल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक संचार यानी कि जैसे इंटरनेट हो गया, कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गए, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेज है, स्मार्ट क्लासेस हो गई, उनके अकॉर्डिंग अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चे कुछ ना कुछ अपने किसी भी एम को पूरा कर सकें इजीली। तो लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हमें क्या करना है कि आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त ज्ञान का मूल्यांकन परीक्षा के माध्यम से कराना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पर्टेन टू ऑब्जेक्ट्स एज एन एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग सम सब्जेक्ट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी विषय के अध्यापन के एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी देखो वही चीज़ आ गई है दोस्तों कि हमें नॉट पर ध्यान देना है, नहीं है उस चीज़ को बताना है। तीन चीज़ें तो ऐसी हैं जो हैं और एक ऐसी चीज़ है जो नहीं है। सो ऑप्शन है फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स आर एंड पॉइंट
और पॉसिबल अचीवमेंट यानी कि उद्देश्य संभावित उपलब्धि के साथ साध्य बिंदु होते हैं। सेकंड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स आर इमीडिएट एंड अटेंडेबल गोल्स यानी कि उद्देश्य तात्कालिक या प्राप्य होते हैं। थर्ड ऑप्शन है ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड फ्रेम ऑफ रिफरेंस फॉर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट यानी कि उद्देश्य विषय वस्तु के चयन के लिए संदर्भ प्रदान करते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑब्जेक्टिव्स आर बोर्ड एंड जनरल या उद्देश्य व्यापक और सामान्य होते हैं। सो कौन सा कथन इसमें से नहीं है हमें वो बताना है। सो पहला ऑप्शन है वो हमारा है, सेकंड ऑप्शन भी है और थर्ड ऑप्शन भी है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट ऑप्शन जो हमारा नहीं है, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लास्ट ऑप्शन किसी भी विषय अध्यापन में एक पक्ष के रूप में उद्देश्यों से संबंधित नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स ऑल एस्पेक्ट्स यानी कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि सफल समायोजन या समावेशन में निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती। अब इसके अंदर भी यही बताना है कि नहीं होती है, एक्सेप्ट जो हमारा बिल्कुल नहीं है उस चीज़ को हमें बताना है। ऑप्शन है एप्रोप्रिएट टेक्निक्स एंड प्रोसीजर फॉर मॉनिटरिंग इंडिविजुअल स्टूडेंट प्रोग्रेस यानी कि व्यक्तिगत विद्यार्थी प्रगति को मॉनिटर करने के लिए उपयुक्त तकनीक तथा प्रविधियां। सेकंड ऑप्शन है टीचर्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द लर्निंग आउटकम ऑफ स्टूडेंट यानी कि अध्यापक बच्चों के अधिगम निष्पत्तियों के दायित्व को स्वीकार करें। थर्ड ऑप्शन है टीचर्स हैव द नॉलेज एंड स्किल नीडेड टू सिलेक्ट एंड अडेप्ट करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शनल मैथड अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल स्टूडेंट्स नीड यानी कि अध्यापकों के पास वह ज्ञान और कौशल हो जो बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यचर्या और शिक्षण विधियों के चयन व अनुकूल करने के लिए आवश्यक समझे जाते हैं। एंड लास्ट वन इज अ कॉम्पिटेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दैट फोकस ऑन इंडिविजुअल्स अचीवमेंट या एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश को व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता हो। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि ये इस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं है, यानी कि यह तथ्य सफल समावेशन में आवश्यक नहीं माना जाता है यानी कि एक स्पर्धात्मक अधिगम परिवेश जो व्यक्तिगत उपलब्धि पर फोकस करता है यह एक सही ऑप्शन नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा लास्ट वन इज। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर रिब्यूक्स अ स्टूडेंट फॉर हिज आस्किंग अ क्वेश्चन विच द टीचर्स कंसिडर एज सिली। ऑब्जर्विंग दिस द अदर स्टूडेंट बिकम रिक्लूएंट टू आस्क क्वेश्चन। दिस सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक से एक प्रश्न पूछता है जो अध्यापक की दृष्टि में एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न है और अध्यापक उसे डांट कर बिठा देता है। अध्यापक के ऐसे व्यवहार से शेष विद्यार्थी निराश हो जाते हैं और प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति को निम्नलिखित में से क्या संख्या दी जानी चाहिए या क्या समझा जाना चाहिए। ऑप्शन है हमारा फैसिलिटेटिंग इफेक्ट यानी कि सकारात्मक प्रभाव। सेकेंड है वेरिसिस पनिशमेंट यानी कि प्रतिनिधि दंड। थर्ड ऑप्शन है क्लासरूम एथिक्स यानी कि कक्षा कक्ष नैतिकता। एंड लास्ट वन इज सेल्फ रीइंफोर्समेंट यानी कि आत्म प्रबलन। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या समझना चाहिए, क्या कहा जाना चाहिए उस स्थिति को, प्रतिनिधि दंड कहा जाना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ क्लास फिफ्थ स्टूडेंट और टीचर आस्क स्टूडेंट दैट फॉलोइंग टू क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में एक सिचुएशन दी गई है कि कक्षा पाँच के विद्यार्थियों को वर्ग का प्रत्यय पढ़ाने के बाद एक शिक्षक ने दो प्रश्न किए। पहला है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ स्क्वायर, वर्ग की क्या परिभाषा है। एंड सेकेंड वन इज ड्रॉ अ स्क्वायर, एक वर्ग की संरचना कीजिए या उसे बनाइए। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द टू क्वेश्चन इंटेंड टू मेजर, यह बताइए कि इस प्रश्न के अकॉर्डिंग ज्ञानात्मक विकास के किस स्तर से संबंधित किन उद्देश्यों को मापा जाता है, किन उद्देश्यों को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन है नॉलेज एंड सिंथेसाइज यानी कि ज्ञान और संश्लेषण। सेकंड है नॉलेज एंड एप्लीकेशन, ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग। थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग एंड सिंथेसिस यानी कि समझ या संश्लेषण। एंड लास्ट वन इज अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन या समझ या ज्ञान का प्रयोग। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन। वो बच्चा क्या कर रहा है, क्या करने के लिए कहा जा रहा है उसे, ज्ञान और ज्ञान का प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ क्लास फिफ्थ टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट टू अ रोल प्ले इन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट
of interdependence and harmony in relationship. Which of the following instrument would help him her define the quality of role play by students? इस क्वेश्चन में कहा गया है कि कक्षा पांच का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहा जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने की सहायता होगा? ऑप्शन है सोशियोमेट्री यानी कि समाज मिति, सेकेंड ऑप्शन है फेस टू फेस इंटरव्यू यानी कि आमने सामने का साक्षात्कार, थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चनियर यानी कि प्रश्नावली, एंड लास्ट वन इज रेटिंग स्केल या मूल्य निर्धारण मापनी। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा रेटिंग स्केल यानी कि मूल्य निर्धारण मापनी, इसका करेक्ट ऑप्शन है। बच्चों को एक भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायता करती है और वो ऑप्शन है यह मूल्य निर्धारण की मापनी, यह एक उपकरण माना जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। मिस सैलेजा अ टीचर ऑफ क्लास फिफ्थ हैज हाई एक्सपेक्टेशन फ्रॉम हर स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ बोथ एकेडमिक अचीवमेंट एंड सोशल पर्सनल बिहेवियर। शी बिलीव दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू क्रिएट अ वार्म सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरमेंट दैट इज सेंसिटिव टू स्टूडेंट्स नीड। शी इज फर्म दैट टेक्स टाइम टू प्रोवाइड रिलेशनल एंड वेरियस क्लासरूम रूल्स। शी बिलीव दैट देयर मस्ट बी consequence when student violate and rules but tries to invoke penalties that are fair and that do not humiliate student. Which one of the classroom management style is the she practicing? यानी कि अब ये देखिए कि सेम क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक सिचुएशन दी गई है। इसमें बताया गया है कि सुश्री शैलजा जो कक्षा पाँच की अध्यापिका हैं अपने विद्यार्थी से शैक्षणिक उपलब्धि तथा सामाजिक व्यवहार संबंधी उच्च अपेक्षाएं रखती हैं। उनके अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि कक्षा का परिवेश स्नेही हो, प्रोत्साहित करने वाला हो तथा बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील हो। अपने विचार में वह दृढ़ और परंतु कक्षा संबंधी नियमों का तर्काधार देने में थोड़ा समय लेती हैं। उनका विश्वास है कि जब विद्यार्थी नियमों का उल्लंघन करें तो उन्हें दंड मिलना चाहिए, परंतु वह ऐसी सजा देना चाहती हैं जो उचित हो परंतु बच्चे अब मानित अनुभव ना करें। सो ऑप्शन है इसके अंदर, पहला है हमारा लेजले फेयर यानी कि हस्तक्षेप, सेकंड है ऑथरनिज्म यानी कि सत्तावादी, थर्ड है हमारा प्रेमसिव यानी कि उन्मुक्ता, एंड लास्ट वन इज ऑथोरेटिव यानी कि प्रमाणिकता। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। वो किस चीज का उपयोग कर रही है, वो कर रही है उन्हें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, पहला ऑप्शन तो आपको पता ही है। सेकंड है हमारा सत्तावादी, सत्तावादी के अंदर अंतर्गत क्या आता है, सत्तावादी के अंतर्गत उन्हें एक बांधे रखना चाहती हैं, एक कड़ी से कड़ी सजा यानी कि जो जो शिक्षक कहा जा कह रहा है एक हिटलर की तरह, आप अगर इसे एग्जाम्पल के अंदर अकॉर्डिंग देखें तो उनके ऊपर कड़ी सख्तता रखना चाहती हैं। एंड थर्ड में उन्मुक्ता, आपको पता था कि वो रुचिपूर्ण या इंटरेस्टिंग वे से उन्हें पढ़ाना चाहती हैं। एंड लास्ट में प्रमाणिकता यानी कि इसके अंदर वो प्रमाण, हर चीज़ के अंदर प्रमाण देना चाहती हैं कि कोई चीज़ को कैसे किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर टीचिंग अ टीचर finds that a student is able to write a well-organized theme, a creative short story and can get a well-organized speech and proposes a plan for experiment. Student can integrate learning from different areas into a plan for solving a problem. Then one of the part of the teacher at which one of the following levels of educational objectives have been achieved in behavioral terms. Yani ki कक्षा अध्यापन के पश्चात अध्यापक देखता है कि एक विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित निबंध लिख लेता है, एक सृजनात्मक लघु कथा और एक सुनियोजित व्याख्यान देता है और एक प्रयोग की योजना बनाकर प्रस्तुत करता है। यह विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त अधिगम को किसी समस्या के समाधान के लिए संगठित कर लेता है। अध्यापक की इस दृष्टि से इस विद्यार्थी ने शैक्षणिक उद्देश्यों के किस प्रकार के स्तर को प्राप्त कर लिया है। ऑप्शन है हमारा सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण स्तर को प्राप्त कर लिया है, सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन यानी कि समझ और बोध स्तर को प्राप्त कर लिया है, थर्ड है एप्लीकेशन या अनुप्रयोग स्तर का प्राप्त कर लिया है, या लास्ट वन इज एनालिसिस यानी कि विश्लेषण
स्तर को प्राप्त कर लिया है। अब आपको अगर सिंथेसिस और एनालिसिस में अगर फर्क ना पता हो तो मैं आपको इसके अंदर डिफरेंस बताती हूँ। संश्लेषण का मतलब होता है कि जिसके अंदर छोटी छोटी चीज़ों को तोड़कर कुछ ना कुछ बनाया जाता है, या छोटे छोटे किसी भी चीज़ को डिवाइड करके उसके अंदर कुछ ना कुछ एक स्टोरी बनाई जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ बनाई जाती है या कुछ एक वस्तु बनाई जाती है। और विश्लेषण के अंदर क्या होता है, किसी जुड़ी हुई चीज़ के पार्ट किए जाते हैं। सो ये था हमारा इन दोनों में डिफरेंस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा फर्स्ट है, हमारा करेक्ट ऑप्शन यानी कि सिंथेसिस संश्लेषण स्तर को उस बच्चे ने उस शैक्षिक उद्देश्यों के स्तर पर प्राप्त कर लिया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, जोन ऑफ प्रोमैक्सिमल डेवलपमेंट इज, यानी कि अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया है, देखिए निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है। ऑप्शन है मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड ऑन द पार्ट ऑफ चाइल्ड, यानी कि बच्चे की ओर से बाह्य जगत का मानसिक निरूपण। सेकंड वन है सीरीज ऑफ एक्शन इन विच अ चाइल्ड अंडरगो सोशल इंटरेक्शन विद पीयर्स, ऐसी व्यवहार श्रृंखला जिसमें बच्चा अपने साथियों के साथ सामाजिक अन्योक्रिया करे। थर्ड वन इज रेंज ऑफ टास्क एंड दैट अ चाइल्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कंप्लीट, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण रूप के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया में है। एंड लास्ट वन इज सम ऑफ अनकॉन्शियस थॉट्स एंड फीलिंग इंट्रोस्पेक्टेड बाय चाइल्ड, यानी कि अपने स्वयं के चेतन विचारों और भावनाओं का समूह जिनका बच्चे में आत्मविश्लेषण किया जाता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, रेंज ऑफ टास्क दैट अ चाइल्ड इज इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू कंप्लीट, ऐसे कार्यों की श्रेणी जिन्हें पूर्ण करने के लिए बच्चा सीखने की प्रक्रिया करता है निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है, या जोन प्रोएक्सिमल का यानी कि डेवलपमेंट का विकास का स्तर कहा जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एक्शन रिसर्च विद वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, यानी कि सही नहीं है वो बताना है हमें। क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है इट्स कंक्लूजन आर इन द फॉर्म ऑफ रिमेडियल मेजर्स, इसके निष्कर्ष उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं। सेकेंड वन इज इट कंट्रीब्यूट्स टू क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस, इसका योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होता है। सेकेंड थर्ड ऑप्शन है इट्स स्कोप इज वेरी वाइड, इसका कार्यक्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। एंड लास्ट वन इज इट इज कंसर्न विद इमीडिएट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय टीचर स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन, इसका संबंध अध्यापक विद्यार्थियों संस्थाओं की तात्कालिक समस्याओं से होता है। सो हमें इसके अंदर बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तीन ऐसे ऑप्शन है जो सही है और एक नहीं है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज, यह इसके अकॉर्डिंग इसके संदर्भ में यानी कि क्रियात्मक शोध के संदर्भ में सही नहीं माना जाता। इट्स स्कोप इज वेरी वाइड, यानी कि इसका जो कार्यक्षेत्र है काफी व्यापक होता है। यह हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द चेंज इज एन इंडिविजुअल बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, निम्नांकित में से कौन सी विधा अनुभव से होने वाले व्यवहार परिवर्तन को दर्शाती है। फर्स्ट है मोटिवेशन या अभिप्रेरणा, सेकेंड है मॉडलिंग, थर्ड है लर्निंग या अधिकम, या लास्ट वन इज परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्षीकरण। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, यानी कि अधिकम हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर थॉर्नडाइक द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ लर्निंग वाज, यानी कि थॉर्नडाइक के मतानुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या था। ऑप्शन है वाइसेरियस लर्निंग यानी कि स्थानापन अधिगम, सेकेंड ऑप्शन है सोशल लर्निंग सामाजिक अधिगम, थर्ड है ट्रायल एंड एरर लर्निंग प्रयास और त्रुटि अधिगम, या लास्ट वन इज ऑब्जर्वेशनल अधिगम यानी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, प्रयास और त्रुटि का अधिगम हमारा थॉर्नडाइक के मतानुसार सबसे मूल माना जाता है, सबसे उपयोगी माना जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द नोडल एजेंसी फॉर फार्मिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, यानी कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित में से केंद्रक एजेंसी कौन सी थी। पहली है हमारी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन या NCTC, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, थर्ड ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एंड लास्ट वन इज
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी स्कूल. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन. नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग हमारी राष्ट्रीय पाठ्यचर्य ढांचा 2005 के निर्माण में निम्नलिखित एक केंद्रक एजेंसी मानी गई है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट और सिग्नल गिवन बाय द टीचर्स व्हेन स्टूडेंट्स नीड टू बी रिमाइंडेड टू बिहेव इन अ सर्टेन वे टू रिमाइंडेड टू बिहेविंग इन अ सर्टेन वे इज टर्म्ड एज एन. यानी कि किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने और किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक और गैर शाब्दिक संदेश संकेत को क्या कहा जाता है. ऑप्शन है पहला स्टूमुलस यानी कि उत्प्रेरक. सेकेंड है हमारा क्यूई यानी कि संकेत कहा जाता है क्यूई को. थर्ड ऑप्शन है इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन. एंड लास्ट वन है रीइंफोर्सर यानी कि प्रबलक. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन या क्यू यानी कि संकेत कहा जाता था. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने. विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट इन अ सब्जेक्ट बाय टीचर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट. यानी कि वह ऑप्शन बताना है जो सही नहीं है. अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है यानी कि सही नहीं है. ऑप्शन है एक्साइजिंग क्लासरूम कंडीशंस वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं. सेकेंड है कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर. थर्ड ऑप्शन है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा योजना. लास्ट वन इज आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि निर्धारित उद्देश्य. सो ऑप्शन हमारा जो सही है वो है हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन. स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन परीक्षा योजना हमारा असंगत है या इररेलेवेंट है, यह हमारा कथन सही नहीं माना इसके अकॉर्डिंग. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड वन इज. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग अस द फॉलोइंग रेगुलेट्स एंड मॉनिटर सर्विस गिवन टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज. यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अपंग व्यक्तियों को दी जाने वाली सेवाओं का विनियमन और मॉनिटरिंग करती है. ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट लोक सहयोग और बाल विकास का राष्ट्रीय संस्थान. सेकेंड ऑप्शन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रीय संस्थान. थर्ड ऑप्शन है रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद. ये लास्ट वन इज नेशनल बुक ट्रस्ट या राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट. सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन या रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया भारतीय पुनर्वास परिषद. ऐसी संस्था है जो अपंग व्यक्तियों को सेवा का विनियम और मॉनिटरिंग करती है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू एंश्योर इफेक्टिव लर्निंग इन क्लासरूम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररेलेवेंट. अब इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या कहा गया देखिए. कक्षा में प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अप्रासंगिक है या सही नहीं है. ऑप्शन है द स्टूडेंट शुड एंश्योर दैट द स्टूडेंट आर एबल टू लर्न देयर ओन पेसेस. अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि विद्यार्थी अपनी गति से सीखने में सक्षम है. सेकेंड ऑप्शन है द टीचर शुड एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन बी लर्न इन प्रेजेंटेड इन स्मॉल स्टेप्स. अध्यापक यह सुनिश्चित करें कि सीखी जाने वाली सूचना छोटे छोटे चरणों में व्यक्त की जाए. थर्ड ऑप्शन है देयर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस इन द क्लास सो दैट द टीचर मे टीच अनडिस्टर्बडली. या लास्ट वन इज द थर्ड ऑप्शन में क्या कहा गया है कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके. एंड लास्ट वन इज द स्टूडेंट शुड बी गिवन इमीडिएट फीडबैक कंसर्निंग द एक्यूरेसी. या बच्चों के अधिगम की परिशुद्धता के विषय में उन्हें तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान की जाए. सो इररेलेवेंट जो बिल्कुल अप्रासंगिक है वो है हमारा कक्षा में एकदम खामोशी हो ताकि अध्यापक शांति से पढ़ा सके. ये हमारा जो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग जो हमारा इररेलेवेंट माना जाता है. चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्ले इज चिल्ड्रंस वर्क फॉर पॉस्टुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि इस क्वेश्चन में कहा गया है कि खेल ही बच्चों का कार्य है. किसने सर्वप्रथम कहा है. पहला है ड्यूवी, सेकंड है रूसो, थर्ड है प्रोफेल एंड लास्ट वन इज मोंटेसरी. तो किसने कहा है. मोंटेसरी ने यह कथन कहा है. चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन इन साइंसेज एज एटलीस्ट सम फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी बेस्ड इन. यानी कि
विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकनों का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? ऑप्शन है प्रोजेक्ट वर्क इन ग्रुप, समूहों में परियोजना कार्य, थर्ड सेकेंड है ऑप्शन आप सभी के सामने कन्वर्सेशन स्किल, संवाद कौशल, थर्ड वन इज एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्टिविटीज, प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग, एंड लास्ट वन इज राइटिंग स्किल या लेखन कौशल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, एक्सपेरिमेंट एंड लैब एक्टिविटी, प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग हमारा एक सही ऑप्शन माना जाता है सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर अ टीचर चेक वेदर द क्वेश्चन पेपर टेस्ट एंड द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्लान फॉर द कोर्स द टीचर इज कंसर्न विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग। एक प्रश्न पत्र का निर्माण करने के पश्चात अध्यापक यह जानना चाहता है कि क्या इससे उन विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों का परीक्षण हो जाएगा जो उस पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित किए गए हैं। बताइए वह अध्यापक निम्नलिखित में से किससे संबंध रखता है? ऑप्शन है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की वस्तु निष्ठता, सेकेंड है वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की वैधता, थर्ड वन इज रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की विश्वसनीयता, एंड लास्ट वन इज कंटेंट कवरेज या विषय वस्तु का विस्तार। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकेंड वन इज करेक्ट ऑप्शन, वैलिडिटी ऑफ द टेस्ट, परीक्षण की वैधता, वो अध्यापक इस चीज से संबंधित है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ थॉट इज ऑफ द व्यू दैट द फिजिकल यूनिवर्स इज अ रियलिटी मैन लाइक अदर एनिमल्स मस्ट अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट मटेरियल एनवायरनमेंट इज लिमिटेड एनी इंटरवेंशन ऑफ द टीचर इज हार्मफुल टू द चाइल्ड हिज हर डेवलपमेंट शुड बी अनचेक्ड बाय एंड काइंड ऑफ सजेशन और गाइडेंस। निम्नलिखित में से वे कौन सी दार्शनिक विचारधारा है जिसके अनुसार भौतिक जगत एक वास्तविक है, मानव और अन्य जीवधारियों को वातावरण से संबंधित अनुकूल रखना चाहिए, भौतिक वातावरण समिति होता है, अध्यापक को किस प्रकार का हस्तक्षेप बच्चे के लिए हानिकारक होगा और अतः उसके विकास में किस प्रकार के सुझाव निर्देशन और हस्तक्षेप का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है आइडलिज्म यानी कि आदर्शवाद, सेकंड है प्रैग्मैटिज्म प्रयोजनवाद, थर्ड है ह्यूमनिज्म यानी कि मानवतावाद, एंड लास्ट वन इज नेचरलिज्म यानी कि प्रकृतिवाद। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन सॉरी लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद हमारा करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस। निम्नांकित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहयोगी होंगी? ऑप्शन है फ्रीक्वेंट इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन, सेकंड है पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, शिक्षक शिक्षार्थी के माध्यम धनात्मक संबंध, थर्ड वन इज क्लोज टीचर पेरेंट इंटरेक्शन, निकट के शिक्षक माता पिता का संपर्क, एंड लास्ट वन इज इंस्ट्रक्शन एट अ हायर लेवल, उच्च स्तर पर अनुदेशन अवस्था। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो करेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा ए और सी यानी कि फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि ए और सी हमारे करेक्ट ऑप्शन है, फ्रीक्वेंट इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस और क्लोज टीचर पेरेंट्स इंटरेक्शन, ये दोनों हमारे करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनस्पोकन और इम्प्लिक्ट एकेडमी सोशल एंड कल्चरल मैसेज दैट आर कम्युनिकेट टू स्टूडेंट वाइल दे आर इन स्कूल कंस्टिट्यूट। अव्यक्त और अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्यचर्या कहलाती है? ऑप्शन है स्पिरिचुअल करिकुलम कुंडलिक पाठ्यचर्या, सेकेंड है एक्सप्लिक्ट करिकुलम सुनिश्चित पाठ्यचर्या, थर्ड वन इज हिडन करिकुलम प्रछन्न या गुप्त पाठ्यचर्या, एंड लास्ट वन इज इंटीग्रेटेड करिकुलम समेकित पाठ्यचर्या। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन। क्या कहा जाता है? प्रछन्न या गुप्त पाठ्यचर्या उस चीज को कहा जाता है यानी कि अव्यक्त और अंतर्निहित संदेश जो विद्यार्थियों को विद्यालय में प्राप्त होते हैं उसे प्रछन्न या गुप्त पाठ्यचर्या कहा जाता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ। संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में शिक्षा को निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा गया है?
पहला है यूनियन लिस्ट, संघीय सूची, सेकंड है सेंट्रल लिस्ट, केंद्रीय सूची, थर्ड है स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, या लास्ट वन इज कॉन्क्रेट लिस्ट यानी कि समवर्ती सूची। तो लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा को रखा गया है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट करिकुलम। पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट ट्रू बताना है इसके अंदर। यानी कि तीन ऐसे क्वेश्चन है जो हैं, तीन ऐसे कथन है जो हैं और एक हमारा नहीं है। ऑप्शन है करिकुलम इज प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर, पाठ्यचर्या आदेशात्मक होती है। सेकेंड है करिकुलम रेफर्स टू द ओवरऑल कंटेंट विच इज टू बी टॉट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। पाठ्यचर्या का संबंध उस समस्त पाठ्य वस्तु से है जो कि किसी शैक्षणिक संस्था में पढ़ाई जानी चाहिए। थर्ड है करिकुलम वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर, पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती हैं। एंड लास्ट वन इज करिकुलम हैज अ वाइडर स्कोप, यानी कि ऑप्शन करिकुलम हैज अ वाइडर स्कोप यानी कि पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, करिकुलम वेरीज फ्रॉम टीचर्स टू टीचर, पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यह कथन हमारा सही नहीं माना जाता इस कथन के अनुसार। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्किनर लर्निंग थ्योरी टू कंट्रोल बिहेवियरल वन शुड कंट्रोल, यानी कि स्किनर के अधिगम सिद्धांत के अनुसार यदि व्यवहार को नियंत्रित करना हो तो व्यक्ति को किस से नियंत्रित करना चाहिए। ऑप्शन है रिस्पॉन्स अनुक्रिया को, सेकेंड है परफॉर्मेंस निष्पादन को, थर्ड है पनिशमेंट दंड को, या लास्ट वन इज रीइन्फोर्समेंट या प्रबलन को। तो हमें किसे नियंत्रित करना चाहिए अधिगम के सिद्धांत के अनुसार, लास्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि रीइन्फोर्समेंट प्रबलन को हमें नियंत्रित करना चाहिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द दिस यूनिटी, यानी कि यूनिट द स्टूडेंट वुड बी एबल टू समराइज द मेन इवेंट ऑफ अ स्टोरी इज ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेवल टू कॉग्निशन। यानी कि उद्देश्य हमें एक उद्देश्य दे रखा है कि इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण रूप से शुद्ध रूप से संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस संज्ञानात्मक उद्देश्य से संबंधित है। पहला है इवैल्यूएशन मूल्यांकन, सेकेंड है कॉम्प्रिहेंशन समझ, थर्ड है एप्लीकेशन ज्ञान का प्रयोग, एंड लास्ट वन इज सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। तो किससे संबंध रखता है, किस उद्देश्य से संबंधित है। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा सेकेंड वन इज कॉम्प्रिहेंशन, समझ से यानी कि कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित है। चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन है द बिहेवियर टर्म्स फॉर स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव्स लाइक चेंज कंप्यूट डिमॉन्स्ट्रेट डिस्कवर मैनिपुलेट मॉडिफाई ऑपरेट प्रेडिक्ट प्रिपेयर रिलेट शो सॉल्व एक्सेट्रा पर्टेन टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरीज। यानी कि उद्देश्य के कथन के लिए प्रयुक्त व्यवहारगत पद जिसे परिवर्तन लाना, गणना करना, खोजना, निर्दर्शित करना, अनुरूपित करना, संशोधित करना, संक्रिय करना, भविष्य कथन करना, तैयार करना, संबंध करना, दिखलाना, हल करना इत्यादि निम्नलिखित किस वर्ग से संबंधित रखता है। पहला है इवैल्यूएशन मूल्यांकन, सेकंड है एप्लीकेशन अनुप्रयोग, थर्ड है एनालिसिस विश्लेषण, एंड लास्ट वन इज सिंथेसिस यानी कि संश्लेषण। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा सेकंड वन इज करेक्ट ऑप्शन यानी कि किससे संबंध रखता है, अनुप्रयोग से यानी कि एप्लीकेशन थे। तो ये हमारे 14 क्वेश्चन थे जो हमारे KVS 2017 में आ चुके हैं और इनका आप सभी के सामने मैंने विद आंसर एक्सप्लेनेशन दिया है जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम से रिलेटेड है। आने वाले किसी भी एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ऐसे ही पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जिसको आपको क्या करना है, अच्छे से अच्छा आप मेहनत करनी है, प्रैक्टिस करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो विल बी फर्दर टॉपिक ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर KVS NVS DSSSB एग्जाम। किसी भी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो आप सभी के सामने आएगी। तब तक के लिए इस चैनल को देखते रहिए, जितना हो सके इन वीडियोज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।